बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फियाज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेबल की स्टाइलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं टेबल की स्टाइलिंग करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल ड्रा करते हैं। इसमें हम यहाँ पे रोज़ ले लेते हैं 3 या 4, और इनके अंदर हम नंबर ऑफ कॉलम्स लेते हैं 3 3। यहाँ पे लिख लेते हैं Row 1, Call 1, इसी को कॉपी करते हैं। टू थ्री यही 3, यहाँ से जो आपने कॉलम लिए हैं इन्हीं को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और चलें ये 3 ठीक है। 3 नंबर ऑफ रोज़ लिए हैं और हर रो में मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है जी, ये जो है इसको मैं यहाँ पे हेडिंग के तौर पे ले लेता हूँ, यानी कि टेबल हेडिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगा जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ रोज़ ली हैं और हर रो में यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। इसको कंट्रोल एस से सेव करें और वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक टेबल नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं किया, इस वजह से ये आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ, स्टाइल का हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं TD बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हम ये बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये TH में है, यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से ये बॉर्डर हमने अप्लाई किया है TD के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। जब भी आप टेबल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो वो इस फॉर्म में आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बॉर्डर आपको सेपरेट, हर कॉलम का जो बॉर्डर है वो आपको सेपरेट नज़र आ रहा है हर TD के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि टेबल जब हम ड्रा करते हैं तो आमतौर पे ऐसे तो बॉर्डर हम यूज़ नहीं करते, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है,
यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसमें दो वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं, एक है कोलैप्स, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर आपको हर टीडी पर अलग अलग नज़र आ रहा था और बॉर्डर में आपको जो स्पेस नज़र आ रही थी वो यहाँ पे अलग होगी। मैं यहाँ पे ये कंटेंट चेंज कर दूँ क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, रोल नंबर, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ लिख लें जेंडर, यहाँ पे लिख लें अली, रोल नंबर लिख लें CS15 और जेंडर यहाँ पे लिख लें मेल, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे चेंज करते हैं अहमद CS20, रोल नंबर मैं वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, और ये मेल, यहाँ पे इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो हमारे पास इस फॉर्म में आपको ये टेबल बेसिकली नज़र आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ, इस फॉर्म में आपको ये टेबल बेसिकली नज़र आएगा जब हम इसको कोलैप्स कर देंगे। दूसरी हमारे पास यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है, इसकी वैल्यू एक यहाँ पे हो सकती है सेपरेट। अगर आप सेपरेट चाहते हैं, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो आपको टेबल ये इसी फॉर्म में नज़र आ जाएगा जिस फॉर्म में आपने इसको डिज़ाइन किया है। अगर आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू यूज़ करते हैं कोलैप्स की, तो ये आपको इस तरीके से बॉर्डर आपको कोलैप्स यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये मिला हुआ वन टाइम ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग की एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग, आप जो बॉर्डर वहाँ पे नज़र आ रहा है आप उसमें स्पेस चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा है, रिफ्रेश करें, तो ये देखें ये बॉर्डर जो हर टीडी के गिर्द आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, उन बॉर्डर में ये स्पेस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इसको मैं कम करता हूँ, रिफ्रेश करें, तो ये देखें जो टीडी है उनका जो बॉर्डर है उनके दरमियान आपको हर तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट पे आपको यहाँ पे स्पेसिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको 15 पिक्सल करूँगा तो स्पेसिंग उसी एतबार से आपको ज़्यादा नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम ये बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है एम्प्टी सेल की, कि कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, इसको सेव करें, यहाँ पे मैं दोबारा कोलैप्स कर देता हूँ, कोलैप्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक सेल नज़र आ रहा है जो कि एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम इस एम्प्टी सेल को अपनी मर्ज़ी से एक प्रॉपर्टी एम्प्टी सेल की यूज़ करते हुए हम इसको शो भी करवा सकते हैं, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्टी सेल्स हाइड, यानी कि जो जो सेल एम्प्टी हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू चेंज करें, सेपरेट पे आएं, आप चेक करें तो आपके सामने ये एम्प्टी सेल यहाँ से
रिमूव हो जाएगा, एम्प्टी सेल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। अगर हम एम्प्टी सेल यानी कि ऐसे सेल जिनके अंदर कोई भी टेक्स्ट या डाटा नहीं पड़ा, आप अपनी मर्ज़ी से उसको शो भी करवा सकते हैं और उसको यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा। असल में सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो वैल्यूज़ या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी और प्रॉपर्टी की वजह से सम टाइम अप्लाई नहीं हो रही होती, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको कोलैप्स किया था। कोलैप्स में क्या है कि सारे बॉर्डर जो आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो जब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ एम्प्टी सेल जो हाइड है, लेकिन वो उसको हाइड नहीं कर रहा क्योंकि वो आपस में मर्ज हुए हैं, एक दूसरे के साथ कोलैप्स हुए हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेपरेट किया है तो आप देखें यहाँ पे वो जो एम्प्टी सेल है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम एम्प्टी सेल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की जाती है, कैप्शन साइड की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं कैप्शन एक राइट करता हूँ। कैप्शन बेसिकली एक कह लें कि इंडिकेशन है किसी भी चीज़ की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोई नाम दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर टेबल लिखा है, तो आपको ये देखें ऊपर ये इस तरीके से वर्ड नज़र आ रहा है टेबल। अब इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि आप इसको टॉप पे देखना चाहते हैं, बॉटम पे टेबल के देखना चाहते हैं, कहाँ पे इसको आप शो करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग में एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये सिलेक्टर में लिखूँगा कैप्शन, और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कैप्शन साइड, ठीक है। कैप्शन साइड मैंने यहाँ पे वैल्यू इसको दी बॉटम, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें वो जो कैप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ एक टेबल की रिप्रेजेंटेशन के लिए, हम जो ख़ास कोई टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसको आप अपनी मर्ज़ी से शो करवा सकते हैं टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पे भी। उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कैप्शन साइड की। और यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ तो आपको ये लेफ़्ट पे नज़र आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको राइट कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको ये राइट पे नज़र आ जाएगी, और अगर यहाँ पे इसको हम टॉप करते हैं तो ये आपको इस तरीके से टॉप पे नज़र आएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम टेबल की स्टाइलिंग, टेबल की मज़ीद उसके अंदर कह लें कि मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करने के लिए हम ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेबल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी स्टाइलिंग से रिलेटेड ही, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना है। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ ना आए तो आप फौरन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप जानते हैं कि मेरा रिप्लाई जैसे ही मैं मैसेज पढ़ता हूँ उसके फौरन बाद तकरीबन मेरा रिप्लाई आ जाता है। तो दुआ में याद रखिएगा, YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि उनको जैसे ही कोई भी लेक्चर आता है उनको अपडेट मिल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।